हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है अंडा पालक भुर्जी। बहुत ही क्विक और इजी बनने वाली रेसिपी है ये, स्पेशली वर्किंग पर्सन के लिए जो सुबह बहुत ही जल्दी में होते हैं, उनके लिए ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप उन्हें इस तरह से बना के खिला भी सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 2 स्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा चला लेंगे जीरा को। और यहाँ पे मैं 1/2 स्पून अदरक ग्रेट किया हुआ डाल रही हूँ। बस इससे ज्यादा नहीं भूनना। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट लिया था, ये डाल देंगे। प्याज को हम लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 छोटा शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था, उसके सारे बीज निकाल के वो भी डाल देंगे। और हम इसे 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे। इसे भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा मसाला यूज नहीं कर रही हूँ। बस ये 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून किचन किंग मसाला, आप चाहें तो अलग से धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैं पालक डालूंगी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पालक लिया था, इनको अच्छे से मैंने धो के बारीक काट लिया है। अब हम ये डाल देंगे इसमें। पालक को अच्छे से हम चला देते हैं। पालक में ऑलरेडी काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है, ये बहुत ज्यादा पानी रिलीज करता है, तो पानी जब तक इसका ड्राई ना होने लगे तब तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए पालक से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज का टमाटर वो डाल रही हूँ और मुझे इसे ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, यानी कि ज्यादा नहीं गलाना है, तो हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक ही भूनेंगे। तो यहाँ पे साथ साथ मैं ये नमक भी डाल दे रही हूँ 1 स्पून। और ध्यान रखिए पालक में भी नेचुरली नमक होता है, तो आप ध्यान से नमक डालें। 1 मिनट हो चुका है मुझे टमाटर को चलाते हुए। तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं, ये डाल दूंगी मैं इसमें और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। पालक में काफी रिच क्वांटिटी में आयरन होता है और अंडे में प्रोटीन, तो इस तरह से ये रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट डाइट है। तो आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे ब्रेकफास्ट से करें। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तो गैस बंद कर देती हूँ मैं और हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या फिर पराठे के साथ सर्व कीजिए। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।